हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बस किराए में 25% बढ़ोतरी किए जाने के बाद विपक्ष पार्टियां मुखर हो गई हैं। प्रदेश की 68 विधानसभा क्षेत्रों में युवा कांग्रेस द्वारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। वहीं हमीरपुर युवा कांग्रेस द्वारा भी उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया और चेताया गया कि सरकार द्वारा कुछ समय के अंदर यदि मांगे नहीं मानी गई तो युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी और अगले सप्ताह से युवा कांग्रेस प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन करेगी। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता डिंपल कटोच ने कहा कि सरकार द्वारा बस किराए में 25% बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है, जो सरासर गलत निर्णय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ज्यादातर जनता बसों के माध्यम से अपने व्यवसायिक स्थलों पर जाती है। उन्होंने कहा कि पहले सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी करके जनता को आर्थिक तौर पर कमजोर किया गया और अब किराए में बढ़ोतरी करके गरीब लोगों को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि यदि सरकार द्वारा इस निर्णय को वापस नहीं लिया गया तो युवा कांग्रेस प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन करेगी। देखिए, आज हम हमीरपुर मिनी सचिवालय के सामने युवा कांग्रेस ने यहाँ पे जो किराया वृद्धि है उसका विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को चेताया कि अगर आपने ये वृद्धि वापस नहीं ली तो युवा कांग्रेस आगे भी आंदोलन जारी रखेगी। देखिए, एक तो हिमाचल प्रदेश की जनता ग्रामीण क्षेत्रों से आती है, छोटे छोटे व्यवसायों में आके नौकरी पेशे कर रहे हैं, वो बस किराया अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप इस तरह की चीज़ें ना कीजिए। पहले इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए, तब आर्थिक स्थिति खराब की, अब ये बसों का किराया बढ़ाकर गरीब जनता को दबा रहे हैं और युवा कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करती है। और सरकार ने अगर बस वृद्धि के वापसी नहीं ली तो युवा कांग्रेस और भी सड़कों पर उतरेगी। कब तक सर न्याय? ये सरकार नहीं, ये तो गरीबों की सरकार तो क्या है, ये तो गरीबों के साथ सरासर अन्याय कर रही है। और युवा कांग्रेस ऐसी मांगों को उठा के आज डीसी जी के माध्यम से ज्ञापन देने जा रही है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता चंदन ने कहा कि प्रदेश की 68 विधानसभा क्षेत्रों में युवा कांग्रेस द्वारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कुछ समय तक मांगे नहीं मानी गई तो सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन किया जाएगा और सरकार का पुतला भी फूंका जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हर व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, ऐसे में सरकार का इस तरह का निर्णय तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार द्वारा बस किराए में 25% बढ़ोतरी के निर्णय को वापस नहीं लिया गया तो युवा कांग्रेस प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन करेगी। आज प्रदेश की 68 विधानसभा में यूथ कांग्रेस एक शांतिपूर्वक सांकेतिक प्रदर्शन करके महामहिम राज्यपाल को डीसी महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंप रहा है। हम उनसे कुछ समय चाहते हैं, अगर उस समय तक ये मांगे मानी गई तो ठीक, वरना अगले हफ्ते से सड़कों पे आके उग्र प्रदर्शन करेगी, सरकार का पुतला फूकेगी। और जब तक ये मांगे वापस न ली जाती है, जो एक इन्होंने किराया वृद्धि की है जिसका कोई औचित्य नहीं है, ये ना ये कोई समय था किराया वृद्धि का, अभी तो वैसे ही हर घर की जो कमर है आर्थिक स्थिति से टूटी पड़ी है, ये कोई उचित समय नहीं था। और ये जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, एजुकेशन होती है, कोई प्रॉफिटेबल सर्विसेज नहीं है। इसमें अगर जनता पे पैसा खर्च हो रहा है तो उसे उसकी जेब से कुछ जा नहीं रहा है। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि इस किराए को जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए। इस तरह का अगले हफ्ते से हर जगह उग्र प्रदर्शन करेंगे, इतना पुतला भी फूकेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, जहां तक विरोध हो सके विरोध करेंगे। और अगर विधानसभा सत्र चालू होता है तो हम वहां पे जाके भी उनका घेराव करेंगे। मामले सरकार अभी तक मामले दर्ज कर रही है वो भी नाजायज। आप देखें तो पत्रकार बंधुओं के ऊपर भी इन्होंने सोलन में, परवाणु में एक अनुचित मामले दर्ज किए, लेकिन कब तक ये जो इन्होंने एक अनसेट अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का माहौल जो बनाया हुआ है उसके अभी हम क्या करें, कब तक हमें जेलें भी भरनी पड़ जाए तो हम जेलें भरेंगे, लेकिन इस मांग को वापस लाने के लिए सड़कों पर विरोध करेंगे।